afternoon everyone. I hope everybody is good and everybody must have seen my last video. In that we started our chapter number 2 in history, the earliest society. We completed our explanation till the introduction of the stone tools and their uses. In that I explained you that how early people used stone for the different and made different tools out of the stone. They use these tools for hunting animals, for scraping the skin of the animals, to cut the trees and the wood, for cutting the fruits, and then to cut the meat into the pieces. For this different things the tools was used. Now this tool is divided into three phase. Sorry, this stone is divided into three phase. First is Paleolithic period, then Mesolithic, and then Neolithic. Paleolithic means the old age stone age. सबसे पहले जब stone start हुआ था उन लोगों ने stones को as a tools use करना start किया था. दूसरा है Mesolithic, जब उन लोगों ने middle stone age कहलाता है कि stone के use को थोड़ा और differentiate किया, थोड़ी अच्छी तरह से वो लोग उसको use करने लगे. और Neolithic मतलब द न्यू स्टोन एज, बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स, अच्छे अच्छे टूल्स उन लोगों ने एकदम बना लिए, उसको हम कहते हैं Neolithic. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस थ्री स्टोन एजेस. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेक आउट द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19. ओके, आर यू ऑल रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके. Phases of the Stone Age. For the convenience of studying the Stone Age, it has been divided into three broad periods. Stone Age को अच्छी तरह से समझने के लिए Stone Age को three parts में divide किया है. First is the Paleolithic or the Old Stone Age, the Mesolithic or the Middle Stone Age, and the Neolithic or the New Stone Age. तो हम आज हमारे चैप्टर में ये जानेंगे कि डिफरेंट स्टेज में कैसे स्टोन्स को टूल्स के में यूज किया था. सबसे पहले हम बात करेंगे द पैलियोलिथिक एज. द पैलियोलिथिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट द 5 मिलियन इयर्स अगो टू 10,000 बीसी. पैलियोलिथिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 5 मिलियन इयर्स अगो. ओके, 5 मिलियन ईयर अगो से 10,000. उस मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था कि बीसी में हमेशा जो भी ईयर होता है ना वो उल्टा काउंट होता है, आगे नहीं जाता, वो नीचे की तरफ जाता है. तो 5 मिलियन से 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक एज कहलाता है. एंड थ्रू आउट दिस पीरियड ह्यूमंस वर मोस्टली फूड गैदर्स एंड हंटर्स. उस टाइम पे जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो ज्यादातर कौन थे? फूड गैदर्स, मतलब हर जगह से फूड को इकट्ठे करते हंटर्स, एनिमल्स को हंट करते थे और एडिबल प्लांट्स को भी ईट करते थे. तो उस टाइम पे ये स्टोन एज स्टार्ट हुआ था. इन इंडिया द मोस्ट नोटेबल पैलियोलिथिक साइट इज एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. सबसे पहले हमें जो भी प्रूफ मिले हैं उससे हमें पता चला है कि सबसे पहला जो पैलियोलिथिक साइट है, जो जगह है, वो कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिसका नाम है भीमबेटका. वहां पे ये पैलियोलिथिक साइट के प्रूफ मिले हैं कि यहाँ से वो साइट स्टार्ट हुई थी. सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड्स आर डिस्कस्ड बिलो. It is subdivided into three phases, the lower Paleolithic age, the middle Paleolithic age and the upper Paleolithic age. Again, जैसे stone age को three part में divide किया है, उसी तरह से Paleolithic age को भी three part में फिर से divide किया है. एक है lower, then middle and the upper. अब यहाँ पे हम जानेंगे कि तीनों में difference क्या है. Early humans not only started making and using stone tools during this period, but they also made great advances in the tool making techniques and use. पहले के जमाने के लोग जिसने स्टोन को एज अ टूल स्टार्ट किया था, उन लोगों ने सिर्फ स्टोन को टूल्स में नहीं, लेकिन उसको स्टोन को किस तरह से डिफरेंट वेज में यूज कर सकते थे वो भी उन लोगों ने सीखा था. For simple stone tools made by chipping stones, they learn to make tools which are
which was sharper and better suited for huntings of animals such as harpoons and spear. पहले के जमाने में स्टोन को दूसरे स्टोन को तोड़ने के लिए ही यूज करते थे. उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने टूल्स का शेप दिया और स्टोन को एकदम शार्प बना दिया, पॉइंटेड बना दिया, कि जिससे वो एनिमल्स के स्पीयर बना सकते. स्पीयर एंड हार्पून्स आर द वेपन्स आर द टूल्स विच वर यूज फॉर हंटिंग द एनिमल्स. द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज सिग्निफाइंग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एज इट सो द अपीयरेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन मेड शेल्टर्स द बिगनिंग ऑफ हंटिंग एंड शेयरिंग फूड इन अ कम्युनिटी. अपर पैलियोलिथिक पीरियड है उस टाइम पे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे सिग्निफाइंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन ने शेल्टर बनाना अपना घर बनाना स्टार्ट किया था और वो दूसरों के साथ अपना फूड को शेयरिंग करना भी स्टार्ट किया था. एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक टेक्निक्स ऑफ ड्रॉइंग पेंटिंग एंड स्कल्पिंग. और उस टाइम पे वो पीरियड में अपर पैलियोलिथिक पीरियड में उन लोगों ने ड्रॉइंग करना पेंटिंग करना और स्कल्पिंग करना भी स्टोन से ही सीखना स्टार्ट किया था. तो ये सबसे पहला जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं या तो हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ. ये सारे वेपन्स हैं जैसे कि हैंड एक्स चॉपर क्लेवर स्क्रैपर एरोहेड एंड ब्लेड्स. ये सारे वेपन्स स्टोन से बनाए हैं. उन लोगों ने वुड और स्टोन से बनाए हैं और उनको डिफरेंट या तो फिर वुड कटिंग में ट्रीज कटिंग में हंटिंग के लिए स्क्रैपिंग द एनिमल स्किन के लिए फ्रूट्स कट करने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए ये सारे वेपन्स उन लोगों ने यूज किए थे. हम बात कर ले हैं 5 million years ago की. 5 million है ना, कितना पुराना है ये जानने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा भी एक दौर था. आज के जमाने में कुछ कट करना कितना इजी है, अब तो मशीनरी आ गई है, हमें नाइफ की भी जरूरत नहीं होती. लेकिन उस टाइम में स्टोन को एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन था उसके लिए स्टोन, जिसमें से उन लोगों ने डिफरेंट वेपन्स टूल्स बनाए थे. राइट, समझ में आ रहे हैं. चलो अब हम बात करते हैं सेकंड एज की, मिडल एज जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 10,000 BC टू 4,000 BC. 5 million से 10,000 तक हमें पैलियोलिथिक एज कहते हैं, फिर 10,000 टू 4,000 BC को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं. द मेसोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसो विच मीन्स मिडल. सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड आर डिस्कस्ड बिलो. मेसोलिथिक नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि ग्रीक में मेसो को कहते हैं मिडल, जिसको हम इसको मिडल एज भी कहते हैं, मिडल स्टोन एज कहते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा था मेसोलिथिक एज. उनके डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं. इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ स्मॉल कंपोसाइट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स मेड मोस्टली आउट ऑफ फ्लिंट. फ्लिंट एक टाइप का स्टोन होता है, उसमें से डिफरेंट टूल्स बनाते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स. आपको यहाँ पे नीचे पिक्चर्स दिया है कि स्टोन एक फ्लिंट एक टाइप का स्टोन होता है जिसमें से उन लोगों ने डिफरेंट टूल्स बनाए हैं डिफरेंट यूजेस के लिए, जिसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स, जो यहाँ पे आपको पिक्चर्स में दिखा है. डिफरेंट शेप के डिफरेंट साइज के स्टोन्स यूज किए हैं टूल्स बनाने के लिए. These stone tools were sharper, pointed, and more effective than the tools of the Paleolithic period. Paleolithic period में जिस तरह के stone tools होते थे, उससे ये ज़्यादा sharpen है, pointed है. Mesolithic period में थोड़ा advanced period आ गया, तो उन लोगों ने stone को बहुत अच्छी तरह से फिर से बनाया, जिसको कहते हैं microliths. जिसमें जो भी वो स्टोन्स होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं या फिर बहुत ही शार्प होते हैं, तो कुछ भी कट करने के लिए हंट करने के लिए ये स्टोन के लिए बहुत ही यूजफुल कहलाते हैं. द अर्ली ह्यूमंस अपियर टू हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड.
They begin to live in more permanent settlements and domesticating animals. पैलियोलिथिक एज से ये इसमें मेसोलिथिक एज में पीपल थे वो थोड़े थोड़े एडवांस हो गए थे. पहले वो क्या थे कि नॉमेडिक थे, यहाँ से